सेकेंड इंडस्ट्रियलाइजेशन के दौरान जब दुनिया के कई देश और वैज्ञानिक अनेक क्षेत्रों के इनोवेशन और आविष्कार में अग्रसर थे, उस दौरान जापान का हैंडलूम उद्योग भी विकसित हो रहा था और महान जापानी उद्योगपति और वैज्ञानिक साकिची तोयोदा का जन्म 14 फरवरी 1867 को जापान के शिजुओका प्रांत के एक छोटे से शहर में हुआ था। साकिची तोयोदा का परिवार एक किसान परिवार था और उनके पिता बढ़ई का काम करते थे। साकिची तोयोदा प्रतिदिन स्कूल के बाद बढ़ई के काम में अपने पिता की मदद किया करते थे। साकिची तोयोदा में बचपन से ही अपने समाज और देश के लिए कुछ करने की इच्छा थी, जिसके लिए उन्होंने कड़ी मेहनत के साथ पढ़ाई और अनेक शोधों पर काम किया। एक समय ऐसा भी आया जब साकिची की दिलचस्पी शहर के हैंडलूम का काम करने वाले परिवारों में बढ़ने लगी। उन्होंने सभी के हैंडलूम की एफिशिएंसी और प्रॉफिट के बारे में सोचा और बढ़ई तकनीक के अपने ज्ञान और कौशल के इस्तेमाल कर अनेक मशीनों का विकास किया। आइए साकिची द्वारा बनाई गई मशीनों और उद्योगों के बारे में इस म्यूजियम के द्वारा जानते हैं।
यह गाराबो थ्रोस्टल द स्पिनिंग मशीन है, जिसका आविष्कार नागानो प्रीफेक्चर के एक इंजीनियर तोकिम्युन गोन ने 1873 में किया था। यह मशीन अपनी स्वदेशी तकनीक के रूप में पूरे जापान में फैल गई थी। यह 1912 से 1926 तक की एक कताई मिल है। मूल रूप से निर्मित कताई मिल का क्षेत्रफल 3468 मीटर स्क्वायर है और इसकी इमारत अभी भी उसी तरह बनी हुई है। Spinning and making fabric started around 500 BC. Technology changed with the time and improved the quality, process, productivity with low cost and less manpower. फाइबर मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, रासायनिक फाइबर और प्राकृतिक फाइबर, जैसे रेशम, ऊन, नायलॉन और पॉलिएस्टर। इतिहास में कहा गया है कि रेशम की उत्पत्ति चीन में, ऊन मेसोपोटामिया में, सन मिस्र में और कपास की भारत में हुई। कपास 1200 साल पहले भारत से जापान आया था। जब जापानीज गाराबो थ्रस्टल कताई मशीन का आविष्कार के साथ हैंडलूम उद्योग का विकास कर रहे थे, उस समय इंग्लैंड के पास पहले से ही हाई क्वालिटी वाले धागे और कपड़े का उत्पादन करने के लिए उन्नत प्रकार की मशीनें थी।
जापान ने लगभग 100 साल पहले इंग्लैंड के प्लॉट ब्रदर्स एंड कंपनी लिमिटेड द्वारा निर्मित मशीनों को आयात किया था। ९० में साकिची तोयोदा ने इस मशीन का आविष्कार किया, जिसे आसानी से एक हाथ से चलाया जा सकता था। इससे प्रोडक्शन और क्वालिटी में सुधार हुआ और साकिची को अपना पहला पेटेंट प्राप्त हुआ।